भाई फिलहाल मैं निकल चुका हूँ और आप जैसे कि अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैं जा रहा हूँ देहरादून, एक काम है मुझे और साथ के साथ मुझे मैंने ब्ला ब्ला से कुछ सवारियां भी पिकअप करी है तो उनको भी पिकअप कर लूंगा यहीं से और फिर निकलते सीधा। भाई फिलहाल पहुंच चुका हूँ यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास, यहाँ पे मिलने के लिए कहा था तो यहीं पर हूँ फिलहाल अभी मैं। और जो दो लोग हैं वो तो आ चुके थे, वो कह रहे हैं आगे कहीं गए हैं, पता नहीं कहीं खाने पीने गए होंगे। और दो लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो मेट्रो में ही हैं, उतर रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं। तो बस 5-10 मिनट का हो रहा है फिर हम निकल लेंगे। टाइम जो हो रहा है वो आप देखिए 10:35 हो रहे हैं। फिलहाल ट्रेन भी भरा रहे हैं वैसे थे 2 पॉइंट हम करा लेते हैं। भाई फिलहाल 2:20 हो चुके हैं, आप ये देख लो टाइम। और मैं ऋषिकेश पहुंच, भाई इस ट्रक वाले को बहुत जल्दी है, इस ट्रक वाले को जाने दो पहले आगे यार, पता नहीं कौन सी जल्दी है भाई को। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश में। अब ऋषिकेश में मैंने अपनी ब्ला ब्ला की सवारी छोड़ी है और अभी अब मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब वापस क्या इधर से एक अटैक राइट हैंड साइड की तरफ देहरादून की तरफ जाना है। टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है तो आपको दिखाई दिया है 20-22 मिनट हो गए हैं। भूख लगने लग गई है मुझे यार, मेरे साथ ये दिक्कत है अगर मैं उठा रहता हूँ ना मुझे भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पर ना एक चाय और बंद वाले अंकल बैठते हैं, वहाँ पर कुछ खा लेते हैं। अरे भैया ट्रक देखते हैं, वैसे रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुले तो मतलब खुले तो हैं, पीछे तो थे सारे खुले हुए, वहाँ पे मैंने खाया नहीं, अच्छा लगता लोगों के साथ। तो फिलहाल ये देखो ऐसे खुला हुआ है, चाय बिस्किट्स वगैरह तो हैं इनके पास। आगे एक अंकल है ठेली लगाते हैं, बहुत पुराने हैं, उनके पास खाएंगे, देखते हैं अभी आगे यहीं पर थोड़ा सा आगे। भैया कीड़ा मच्छर काट रहे हैं पीछे थी यार एक ना, वो अभी तो बैठे नहीं है यार, यहाँ पे भी बंद है सारी। मेरे को लग रहा है 2 बज रहे ना, 3-4 बजे करीब होते आते हैं वो, तो अभी आए नहीं है शायद। तो देखता हूँ कहीं और कुछ मिलेगा तो वही खा लूँगा, बट फिलहाल पानी तो है मेरे पास, पानी पी पी के गुजारा करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी बंद है, बंद है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे आगे दुकान खुली थी हरिद्वार की तरफ, तो बहुत ढाबे वाबे रेस्टोरेंट थे। मैं थोड़ा सा ऋषिकेश के आगे आ गया, यहाँ पे नहीं आगे है एक याद आ गया मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे अभी आ रहा था देखा था मैंने। भाई कुछ भी कहो अकेले जर्नी का ना मजे कुछ और है, मतलब आप ट्रैवल करते हो लोगों के साथ ट्रैवल करते हो ठीक है अच्छा है, लेकिन अकेले का जो मजा है ना भाई वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है, कुछ भी कहो। फिलहाल भूख मुझे बहुत तेज लग रही है, हालांकि ये एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज अकेले कुछ भी करो आप, गाड़ी में कहीं भी रोक लो, कुछ भी सुन लो, मस्त है बहुत, मतलब अलग ही फील है एक अकेले सोलो ट्रैवलिंग का। रोड भी जबरदस्त है, देखो क्या मस्त रोड है यार। भाई फिलहाल आ गया हूँ CNG भरवाने, वैसे पॉइंट थे इसमें, मैंने कहा भरवा लेते हैं पूरी करवा लेते हैं, तो कोई है नहीं भैया यहाँ पे। भाई CNG में कह रहा था वोल्टेज नहीं है तो भागे जा रहा हूँ, अभी वैसे है 3 पॉइंट, पहुँच तो जाएगी आराम से वहाँ तक, लेकिन मैंने कहा चलो भरवा लेते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि भाई भूख लग रही है बड़ी तेज, तो भूख का इलाज करना है। कैसे बीच में रुका हुआ ट्रक, कैसे बदमाशी कर रहे हैं, देखना साइड में ही चला ले भैया। भाई फिलहाल CNG पंप से मिला नहीं, कुछ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, यहीं पे कुछ खा लेते हैं। फिलहाल भाई ये बंद मक्खन खा रहे हैं भाई चाय के साथ, फिलहाल बंद मक्खन खाया है चाय के साथ और उसमें ब्रेड पकौड़े भी थे यार। पता नहीं क्या हो गया मुझे ना, तला खाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता, प्लस बाहर का तो बिल्कुल मत, क्योंकि वहां पे ना तेल बार बार उबालते हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो मुझे सीरियसली वैसे भी तला खाने का मन नहीं करता और बाहर का तो तला हुआ और भी। अबे भाई यहाँ से जाना है क्या, एक्चुअली ये पंप बताया कि यहीं पे है CNG पंप, तो यार ये पेट्रोल पंप है, इसमें पूछो एक बार। गॉड भाई साहब कहाँ छुपा था देख लो, यहाँ अंदर को आके को है ये पूरा CNG पंप।
मिल गया भाई यहाँ पे, मैं बताता हूँ सीएनजी भाई तुम नहीं, पता नहीं कहाँ ही छुपा रखा है सीएनजी पंप भी। हो गई भाई सीएनजी बिल्कुल फुल, ये देख रहे हो सीएनजी वाला ये जो है बिल्कुल फुल हो गया। अरे यार एक तो ये म्यूजिक बजने लग गया है, बंद ही हो जा भाई, सर दर्द हो गया सच में यार। म्यूजिक तो मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ बिल्कुल, रात का मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है, सुहाना सा मौसम बिल्कुल ठंडा वाला। अब चल रहा हूँ सीधा घर की तरफ जहाँ पे जाना है मुझे।